आईपीएल का 38वां मैच राजस्थान और मुंबई के बीच खेला गया। इस मैच में मुंबई ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। मुंबई के लिए इस मैच में भी रोहित शर्मा और ईशान किशन ने पारी की शुरुआत करी, लेकिन दोनों खिलाड़ी जल्दी आउट हो गए। इसके बाद तिलक वर्मा ने एक बार फिर से टीम का भार अपने सिर पर लिया और तिलक वर्मा ने इस मैच में 45 बॉल में 65 रन की पारी खेली, जिसमें 3 छक्के शामिल थे। तिलक वर्मा के आउट होने के बाद में निहाल वद्रा ने भी 24 बॉल में 49 रन की पारी खेली, जिसमें 4 छक्के शामिल थे। और इसकी पारी चलते मुंबई की टीम ने 20 ओवर में 179 रन बनाए। यह मैच मुंबई से ज्यादा राजस्थान के संदीप शर्मा के लिए बहुत ही खास रहा। संदीप शर्मा ने इस मैच में 4 ओवर में 18 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए। वीडियो के बारे में आगे बात करूं, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करने वाला हूं और नए सब्सक्राइब करने के लिए बार बार बोलने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो 180 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए राजस्थान की ओर से जयसवाल और जोश पटेल ने पारी की शुरुआत करी। दोनों ने बहुत ही धमाकेदार शुरुआत करी, लेकिन फिर मैच में बारिश ने दखल दे दिया और मैच कुछ देर तक बंद रहा, लेकिन एक बार फिर से बारिश के बाद मैच की शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद जोश बटलर आउट हो गए। बटलर ने इस मैच में 25 बॉलों में 35 रन की पारी खेली और साथ ही जयसवाल ने 60 बॉलों में 105 रन बनाए, जिसमें 7 छक्के शामिल थे। जयसवाल के साथ साथ सैमसंग ने भी 28 बॉलों में 38 रन की पारी खेली और इससे राजस्थान की टीम यह लक्ष्य 18 ओवर में हासिल कर लिया। और राजस्थान के लिए संदीप शर्मा ने 5 विकेट लिए, तो संदीप शर्मा को इस मैच में मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो अब अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।